फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लॉस एंजलस। अभी हैं हम हमारे हॉस्टल के रूम में। ये हमारा हॉस्टल का रूम है। यहाँ से अभी हम कर रहे हैं चेकआउट। आज हमारी तीसरी नाइट थी लॉस एंजलस में। अभी हम ट्रेवल करेंगे फ्लिक्स बस के थ्रू, जो हमने बुकिंग करी है। उन्होंने बस अलॉट की है हमने ग्रे हाउंड की। यूनियन स्टेशन जाएंगे, वहाँ से बस लेकर हम जा रहे हैं आज लॉस वेगास। 5-6 घंटे की जर्नी है हमारी यहाँ से लॉस वेगास की। वो किस प्रकार से रहती है और कैसा बस सिस्टम है US के अंदर, फ्लिक्स बस, जब दूसरा जो सिटी टू सिटी जो बस सर्विस है, कैसे ट्रेवल करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा आज का व्लॉग रहेगा। और इसके साथ हम कंपैरिजन भी करेंगे कि बाय एयर में US में डोमेस्टिक फ्लाइट लेनी चाहिए या फिर हमें एक सिटी से दूसरी सिटी में बस से जाना चाहिए, इसके ऊपर हम एक कंपैरिजन भी करेंगे। तो हमारे जो लोग US के अंदर सिटी टू सिटी ट्रेवल करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हम अपना खुद का एक्सपीरियंस इसमें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी जर्नी जो है लॉस एंजलस से लॉस वेगास तक कैसी रहती है, कितने चार्जेस लगे हैं, हमें किस प्रकार से बुकिंग करी है, और इसमें हमें बस में क्या बेनिफिट है और एयर में जाने का क्या बेनिफिट है या क्या नुकसान है, उन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। और रास्ते में आप यहाँ यहाँ पर बस रुकेगी, जो 2-4 स्टॉपेज होंगे वो भी आपके साथ दिखाएंगे, शेयर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तो हम आपको US घुमाएंगे, उसके बाद आपको कनाडा लेके चलते हैं। अब यूनियन स्टेशन पहुंच गए हम। यहाँ स्टेशन के ऊपर ऊपर जाते हैं ना, जैसे मेट्रो नीचे है और ऊपर बस प्लाजा है, निशान लगे हुए हैं, साइन बोर्ड है, लिखा भी हुआ हर जगह। हाँ, तो उससे आप ऊपर आओ। तो यहाँ से अभी हम बस लेंगे। हमारा अभी टाइम शायद बड़ा है। ये बस जा रही सैन फ्रांसिस्को यहाँ से। तो दोस्तों यही है सामने हमारी बस, बेल नंबर 1। ओके, गिफ्ट हो गया हमारी। ट्रैवलिंग हाइट, और मैं हाँ मनदीप कौर बिहाइंड द कैमरा, और साढ़े लैक्चर देने वाले बंदे जड़े हैं ये सामने आ गए, इन्होंने चश्मा पा लिया। असी रस्ते में रुके हैं और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं असी बस का, एक की बोलते होंगे बस का, हाँ बस के सफ़र का बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा। हूँ रस्ते थोड़ा जहा बस रुकी है, इतने असं खावे पीवे और अपना एक्सपीरियंस तुम शेयर करते रहेंगे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं सोचा है कि हूँ जाना ना ज़्यादा जी पक पक मैं करा कि और लैक्चर देने वास्ते असी बंदा रख लिया, लैक्चर यही दिया कर मेन जो चीज़ा वो दस। बाकी थोड़ा जो मैं बोरिंग बना रहे थे भी कि बोलते और कर रहे थे कि मैं क्या थोड़ा जहा हस्ती गुस्ती भी करनी चाहिए है ना, बाकी कैमरा कट दी नहीं है बिचों बाहर। नहीं है लॉस एंजलस से लॉस वेगास जा रहे हैं बस में, और वो ये अपना था पहला वो कैलिफोर्निया स्टेट का, अभी हम जा रहे हैं नवेडा। तो नवेडा स्टेट के अंदर है लॉस वेगास। तो यहाँ पर अभी हॉल्ट है 30 मिनट्स का हमारा बस का। तो ये एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा, अभी तक तो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने लग गया यहाँ पर, वहाँ ठंड का, यहाँ वो तो टोटल गर्म हवा चल रही है। ये मैकडी जड़ा है ना,
ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਥੀਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ यहाँ क्योस्क लगी है, ऑर्डर करो। हाँ ट्रेन देखिए इधर बनाया पूरा मार्केट जी मार्केट है अच्छा है। अच्छा दोबारा भी चल पड़े हैं हम। और ये देखिए बाहर देखिए कैसा है। ये एक डेजर्ट स्टेट है नेवाडा यूएसए का। तो अभी यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, रास्ते रास्ते में काफ़ी बड़ा डेजर्टेड सी लैंड है और डेजर्ट एरिया है। और कोई भी रास्ते में आसपास कोई ऐसे ज़्यादा कोई पॉपुलेशन भी नहीं, कोई घर नहीं दिखाई दिए हमें। तो इस प्रकार का कुछ एरिया लगा हमें। ये नेवाडा स्टेट है, कैलिफोर्निया से काफ़ी डिफरेंट है और वेदर जो है वो भी डिफरेंट है। बीच बीच में कहीं 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 कुछ जो है ये छोटी छोटी जो एक माउंटेन सी पहाड़ियाँ सी हिल सी आती हैं, बाकी ये टोटली एक डेजर्ट लैंड कहेंगे। ये आ गया है बस टर्मिनल है ना। पहुँच गए हैं, बैग निकाल लिया हमने बस में से। ये बस टर्मिनल है, थोड़ा बाहर है यहाँ से मिलेगी रिड्यूस बस, क्योंकि अंदर स्ट्रिप पे लेके जाएगी। स्ट्रिप पे है जो मेन एरिया है, वहाँ पर हमारा होटल है। GoPro stop recording. लो जी अभी हम पहुंच गए हैं अपने स्टॉपेज पे। हमारे स्टॉपेज का नाम है पेरिस। और यहाँ पे देखो पेरिस टावर भी बना रखा है। Recording. GoPro stop ही नहीं कर रहा। चेक ही नहीं रही है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स अभी हम रूम में पहुंच गए हैं। हमारे रूम का नंबर है 1295। तो ये है हमारा रूम। अभी हमें आज दो रूम मिला है, उसमें बेड अलग अलग है। कल आई थिंक वो बोल रहे कि चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारा रूम इन लास वेगास। और अभी हमारे बैग इधर ही पड़े हुए हैं। ये वॉशरूम इतने वॉशरूम वगैरह खुले खुले होंगे है ना।
ये है हमारी बाहर विंडो का व्यू। यहाँ पे आई थिंक नीचे है पार्किंग एरिया और वो ट्रेन जा रही है। ट्रेन है, मेट्रो है, क्या है, मेट्रो नहीं है, मोनोरेल। Oh, broken.